नमस्कार, स्टार्स किले में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि नया साल कैसा रहने वाला आप सबके लिए। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत जो है वो शानदार ढंग से होने वाली है। इस वर्ष सुख सुविधाओं तथा घर वाहन की स्थिति में सुधार के लिए प्रयासों में तेजी आएगी। परिवार के सदस्यों में आपस में बहुत अच्छा जुड़ाव बना रहेगा। इस वर्ष हर किसी पर आंख बंद करके आपको भरोसा करने से बचना होगा। इस वर्ष आय के नए स्रोत बनेंगे, ज्ञान वर्धन होगा, समाज परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा धन लाभ मिलने के आसार हैं, किंतु आपको चापलूसों से सावधान रहने की जरूरत है। सही समय पर लिए गए निर्णय आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा तथा उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। इस वर्ष आप पारिवारिक कार्यों और उत्सवों में व्यस्त रह सकते हैं तथा अधिकांश समय पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने में गुजरेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके उत्साह के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और सहयोग बने रहने की जो है वो उम्मीद दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और सुखमय स्थिति बनी रहेगी। प्रेमीजनों का प्रेम संबंध इस वर्ष परिजनों के समक्ष प्रकट होने के आसार हैं। प्रेम की चाहत इस वर्ष आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रेमी युगलों को जो है उनके रिश्तों में मिठास आएगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह योग्य जो जातक और जातिकाएं हैं उनके लिए ये वर्ष किसी न किसी परिचय के माध्यम से उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की भी संभावना दिख रही है। जो जातक विवाहित है उन्हें चाहिए कि वे आपसी बहसबाजी में न पड़े। इससे आपके प्रेम संबंध में आपके संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से यह वर्ष जो है वो संतुष्टिदायक रहेगा। इस वर्ष संतान पक्ष से संबंधित कोई आपको शुभ समाचार मिलने की मतलब उम्मीद मुझे दिख रही है, किंतु संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित भी रह सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। यह वर्ष गृह निर्माण के लिए, मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए ये अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास सार्थक रहेंगे। प्रयास करने पर आपको सफलता मिल जाएगी। इस वर्ष वाहन खरीदना आपके लिए ठीक तो रहेगा, लेकिन इसमें शीघ्रता आपको नहीं करनी होगी। धैर्य और संयम से सोच विचार से अगर आप निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए हितकर होगा। इस वर्ष वाहन चलाने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी यानी चोट आदि का भय मुझे दिखता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और करियर की। यह वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कारक और सफलता देने वाला रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए मार्गदर्शन प्राप्त होंगे और मार्च के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन के लिए भी आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस वर्ष प्रयास करने पर आपको इच्छित रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। उच्च अधिकारी वर्ग से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साहसिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए नई संभावनाएं इस साल बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। व्यवसायी वर्ग के लिए इस वर्ष नए अवसर प्राप्त होंगे और नया व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ग्रह आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। यह वर्ष आपके लिए परिश्रम का पूर्ण लाभ देने वाला रहेगा, किंतु अनर्गल लाभ कमाने के चक्कर में अपनी साख को दांव पर न लगाएं, अपने सम्मान का ध्यान रखें। यह स्थिति आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वर्ष के शुरुआती समय में आय के कुछ आपके लिए जो आय के जो स्रोत हैं उनमें कमी जरूर दिखती है, परंतु अप्रैल के बाद का जो समय है वो निरंतर वृद्धि की ओर दिख रहा है। उसमें मुझे लगता है कि आपको अच्छे लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष व्यापारी वर्ग को अनायास लाभ प्राप्त करने की भी मुझे लगता है कि अनायास जिनके लिए उन्होंने प्रयास ज़्यादा नहीं किए उससे भी उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। और वर्षांत में यानी कि वर्ष के अंत में आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। पूंजी निवेश अगर आप करना चाहते हैं, अगर बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ कर करना होगा या सलाहकारों की देखरेख में ही करने की मैं सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष लंबे समय से चली आ रही कोई अगर आपकी परेशानी है तो वो परेशानी कम हो सकती है। स्वयं को मानसिक तौर पर आपको बलवान रखना होगा। जिनको किसी प्रकार की जेनेटिक बीमारी है वे समय समय पर अपनी जो है वो स्वास्थ्य का परीक्षण करावें, इसे हल्के में ना लें। परिवार के बुजुर्गों के साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनको समय दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके कार्य में बाधा नहीं आएगी। रही बात कुछ उपायों की, तो असहाय और वृद्धजनों की सेवा करने के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। और नशीले पदार्थों से इस वर्ष भर आप
जितनी दूरी बनाकर रखेंगे ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। इसके अलावा अगर आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, परिवार को लेकर जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.starstar.com पर विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे हमारी आने वाली जो वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी। मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।